घर में पूए बने, पकौड़ी बने, अच्छी अच्छी चीज बनी, अच्छा अच्छा अपनी तरफ रख लेंगे, बोले इनको पहले खिला, क्योंकि वो लोभी व्यक्ति कभी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। ये हमारी गलतफहमी है। कई लोग आजकल हम मंदिरों में जाते पंडित जी कहते हैं जी धनी ना होएगा तो धर्म का ही सही, क्यों धर्म के लिए धन की क्या जरूरत। देखो हमारे देवता कितने कितने सज्जन हैं, हमारे देवताओं की देखो आप कला। ठाकुर जी का जो भोग है वो किससे लगता है? ठाकुर जी का भोग किससे लगता है? तुलसी दल और पंजरी। पंजरी में क्या होता है? कोई थोड़ा सा झूठे ही घी होता है और आटा वाटा होता है और बस उसको सूखी सी होती है। वो पंजरी को खाने के लिए लाइन लगा लगा करके लोग पंजरी खाते हैं। वो पंजरी जो गरीब राजपूत भी कर सकता है और एकदम धनवान है। शंकर भगवान पे क्या चढ़ता है? आजकल तो खैर बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हो गए, ज्यादा बड़े भक्त ने कई कद्दू चढ़ाया है, कई नारियल चढ़ाया है। शंकर भगवान पे नारियल नहीं चढ़ता। क्या चढ़ता है शंकर भगवान पे? शंकर भगवान पे चढ़ता है आंकड़े के वो आगरा अधूरा आंकड़े के दूर बीन पर, और कोई वो फल जैसे कोई नहीं खाता हो जैसे बीन पर। ये किस पे चढ़ते? हमारे भगवान सदा से शंकर भगवान। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? छप्पन ये मेरे को किसी भी हजार वर्ष से पुराने इतिहास में दिखा देना छप्पन भोग क्या है। ये छप्पन भोग पंडा जी को खाने के लिए चाहिए, इसलिए छप्पन भोग देवता खाता है। छप्पन भोग, छप्पन भोग खाएगा तो उस समय और लगेगा देवता को, छप्पन तरह का दास हो उसमें। और यदि जितनी पब्लिक आई है छप्पन बार दोगे तो वो कुछ बढ़ेगा क्या हिसाब किताब से? ये अपन भोग छप्पन भोग ये सब बकवास है। गणेश जी को क्या पिए? जाम लाए क्या? गणेश जी को मोदक पिए, गणेश जी को जामुन पिए। लोग क्या कर रहे हैं आज तक? दूध पिला रहे और पी भी रहे हैं गणेश। गणेश जी का दूध से कोई लड़ा बताओ क्यों? क्योंकि वो सब बुद्धि तो गणेश जी के पास में किस चीज की कमी? देखा जाए तो गणपति को सर्व समृद्धि का प्रतीक है, रिद्धि सिद्धि तो उनकी पत्नी है, उनको है किसी चीज की कमी? जो साहब गणेश जी को दूध पिला, गणेश जी को मुकुट लगा दे गई। ये सारे ड्रामे धर्म को आडंबर से युक्त करने के लिए किया गया है, ताकि धर्म के नाम पर लोग ठगे जाए और ठगते हुए अपना सारा समय सारा धन और सारा चरित्र इनको दे दे, इनको हमारे राजनीतिक और परंपरागत। एक चीज ध्यान रखना, पंडा मतलब ब्राह्मण नहीं होता। पंडावाद का मतलब है जो धर्म की रोजी रोटी का साधन। मान लीजिए हम यहां बैठे और अभी हम भी बैठ के ये कहें कि लाओ साहब रतन जी की रसीद काटो इनको और सबको 100-100 रुपए का बनाओ, तो ये क्या हो गया? पंडावाद। धर्म को रोजी रोटी का जहां साधन बनाया गया वही पंडावाद शुरू। और ये केवल हमारे सनातन धर्म का वो ऐसी भी बात नहीं है, ये सभी धर्मों में। मुसलमानों में मौलवी पंडो जी के चाचा जी, ईसाइयों में पोप वो पंडा जी के मुसे थे, सिखों में ग्रंथी वो पंडा जी के बुआ जी ग्रंथी, जैनों में वो नंगे वो पंडा जी के चाचा जी। ये सारे के सारे जो ड्रामे हैं ये सब पंडावाद के। धर्म वो है जो ईश्वर को और व्यक्ति के बीच में कोई चीज ना आने दे, कोई आडंबर ना आने दे किसी व्यक्ति को। और ये क्या आ गए? ये ठेकेदार कि हमको दो तुम, हम देंगे इसको भगवान, और भगवान ने ये कहा है तुम ये करो। ये जो मीडिएटर है इनका नाम क्या है? पंडा। हमारा जब भी हम पंडा शब्द की बात करें तो उसका यही अर्थ मान हमारा पूरा मिशन। महाराज साहब के जितने भी शिष्य और जितने भी ये परंपराएं चल रही है, जहां कहीं भी पंडा शब्द का प्रयोग हो वहां ये नहीं कि ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। पंडा का मतलब वहां सिर्फ इन्हीं चीजों से है जो अभी आ इनमीडिएट। ना अच्छा ब्राह्मण बुरा है, ना अच्छा क्षत्रिय बुरा है, ना अच्छा शूद्र बुरा है, ना अच्छा
अच्छा वैश्य बुरा है। बुरे वो लोग हैं जो अपने धर्म का पालन करते हैं, अच्छे वो लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं। संस्कार का निर्माण इस तरीके से, संस्कार निर्माण के लिए रेगुलरिटी की जरूरत पड़ती है, निरंतरता की। हम कोई भी काम करें तुरंत एक किरण हमारे हृदय के अंदर अंकित हो जाए, एक भाव हमारे हृदय के अंदर अंकित हो जाए। अनुमस्तिष्क और प्रेमस्तिष्क दो होते हैं, एक बाहर काम कर रहा होता है, दूसरा अपने आप फ्लॉपी में फिट करता चला। जैसे इसके अंदर सॉफ्ट और हार्ड दो डिस्क होती है, क्यों प्रवीण जी, दो डिस्क होती है ना, एक अपने आप स्टोर करता चला। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के अंदर भी अनुमस्तिष्क अपने आप स्टोर करता चला, हमें पता भी नहीं होता, और बाद में मौके बेमौके वो अपने आप वो भाव वो तरंग बाहर निकल। हम जैसा भी मनन करते हैं वैसे हमारे अंदर भाव बनते चले जाते हैं। जैसे अभी एक केस था कि तो एक बच्ची के साथ में रेप हुआ था दामाद के साथ, तो लोगों ने कहा कि ये अचानक ऐसा हो गया, वो हो गया, नहीं अचानक नहीं होता, अचानक नहीं होता। ऐसा गलत काम करने से पहले अनेकों बार मानसिक रूप से वो गलत काम कर चुके होते हैं, और उसका प्रकटीकरण ये होता है एकदम से। ये चीजें ऐसी तरंगों का, चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा करें, ये हमारे अंदर धीरे धीरे स्टोर होते हैं, अंकित होती चलती है। और जब बार बार एक ही चीज को आप मनन करोगे तो वो आपका चरित्र बन जाता है, वो आपके अंदर झलकने लगता। अनेकों दिन हो गए हमें भी कुसंस्कारों को अपनाते हुए, बहुत सारे कुसंस्कार हमारे अंदर आ गए। अब हम हमारे सामने कोई मिलता है तो उससे राम राम नहीं बोलते, उसको बोलते हाय हेलो हाउ आर यू हाउ डू यू डू देव, पता नहीं क्या क्या नाम लेके बोलते हैं। ये हमको अंग्रेज देके नहीं गए, देखो गलत बात, अंग्रेज जब आए थे तब ऐसे बोलते थे क्या? वो गए तब ऐसे बोलते थे क्या? नहीं बोलते। ये हमने खुद ही आडंबर अपनाया, और कितने दिन में अपनाया? 20-30 साल। अंग्रेज यहां रहे हमारे पास, संभव है भारत को गुलाम भी रखा, लेकिन वो अपनी इतनी छाप उस समय नहीं छोड़ पाए जितनी आजादी के बाद। होंगे कुछ लोग अंग्रेजों के साथ बातचीत करने वाले, लेकिन आपके हमारे सबके सब पूर्वज अंग्रेजों से कोई संबंधित नहीं। लेकिन आज हम सब अंग्रेजों का पहनावा, अंग्रेजों की बोली भाषा, अंग्रेजों की कल्चर, ये हैप्पी बर्थडे टू यू जो है अपने अपनाया, ये कितने दिन हुए इसको हैप्पी बर्थडे? 20-21 साल। पिताजी का मनता है क्या हैप्पी बर्थडे? ये जो बर्थडे है ये इस वर्तमान पीढ़ी का ही शुरू हुआ है, इससे पहले किसी के पिताजी का बर्थडे मनता है क्या यहाँ जो भी है? बल्कि हमको तो सही मायने में वो डॉक्यूमेंट में जो लिख रहा है हमारे पिताजी का नाम वही चल रहा है, अदरवाइज ये पता नहीं कितने तारीख को पैदा हुए। ये जन्मदिन फलमदिन ऐसे पूछते थे, जब ये कहते थे उस साल जो बहुत जोर की आंधी आई थी, फिर बहुत पेड़ गिरे थे, भाई फसल बहुत हुई थी उस साल पैदा हुआ। और किसी से पूछो ये कब हुआ था, बोले उसके 2 साल बाद ये हुआ, तू कब हुआ था? उसके 2 साल पहले ही। ऐसे इससे मनाते थे क्या? हम क्या मनाते थे? हम मनाते थे पुण्यतिथि, श्राद्ध, मृत्यु के दिन तो याद रहती थी ना, ठीक नहीं थी? किस दिन जन्मे हो आप हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्या करके मरे हो उस चीज को देखा। इसीलिए श्राद्ध में यदि कोई बाबोसा एकम को पड़वा को मरे हैं तो उनका पड़वा को ही श्राद्ध, 16 तिथियों को लिखा। अमावस्या और पूर्णिमा का तो अलग अलग निकलता है, बाकी एकम से लेकर चतुर्दशी तक तो सेम है। हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनकी माता श्री थी पहले की, उनका हमको अब तक याद है, जन्म नहीं, क्यों कि वो जब श्राद्ध चलते थे एक दिन के बाद एक दिन खीर चलती रहती थी,
त्रयोदशी को खीर बनती थी, चतुर्दशी को खीर का मामला नहीं था, तो चतुर्दशी को वहां खीर बन जाती थी, तो हमारा कंटिन्यू जारी रहता था, फिर कोविड वहां बन जाती। और हम ये दिमाग से सोचते थे, पहले बच्चे थे दिमाग इतना ही चलता था कि यदि बारिश के दिन कोई नहीं गया, इसके दिन अब ये दादी साहब वगैरह ये बारिश को जाए तो कंटिन्यू जाए, क्योंकि उस समय हमें ये ज्ञान नहीं था कि तीन पीढ़ी तक का ही श्राद्ध है। श्राद्ध कितने पीढ़ी तक का है? तीन। तीन तो पीछे की किस किस का करना चाहिए? माता पिता का, दादा दादी का और परदादा। बताओ परदादा दादी का क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पिता से उपस्थित होते हैं ना, माताजी पिताजी में से कोई तो एक ना एक तो पूरे परिवार में खानदान में कुटुंब में होता है ना, तो उनका तब तक चलेगा, इसलिए परदादा का। और जैसे ही वो गए उनसे पहले बात करनी, क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है छह पीढ़ी बाद यही आ जाते, कहां आ जाते? आपके ही घर में। वैसे तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया, छह पीढ़ी बाद प्रत्येक प्राणी अपने ही परिवार में अपने आसपास ही वापस आता। तो इस गणित के हिसाब से भगवान सूर्यदेव वापस आ गए आपके, श्री राम भी वापस आ गए, महाराज हरिश्चंद्र भी वापस आ गए, विश्वामित्र जी भी वापस आ गए, कृष्ण युधिष्ठर भीष्म सब आ गए। एक गलत फहमी और राजपूतों में चल रही है, खैर आप लोगों में तो इतना नहीं होगी क्योंकि करीब करीब सभी इससे परिचित हैं। हेमेंद्र सिंह जी आप कौन है? कोई गूढ़ कृष्ण नहीं है, नाम के आगे क्या लगाते हैं वही तब कि आपके पूर्वजों में इस एकाद का नाम बताइए जो सबसे फेमस है। इनके में सबसे ज्यादा अनंतपाल जी तो हम फेमस है, अभिमन्यु और अर्जुन नहीं, अर्जुन है कि नहीं? अब इनके दिमाग में यह है कि अर्जुन से तौर पर आपके हैं कि नहीं पूर्वज राक्षसों के भी पूर्व कछुआओं के भी पूर्व? बताओ क्यों? पूर्वज कोई एक ब्लड से बनता है क्या आदमी? माता और पिता दोनों से बनता है ना, एक तो आपका पिता वाला चलता है और एक माता का चलता है, तो पूर्वज तो दोनों हुए आपके। इस बात पे भी एक बार उलझ गया साहब, आपने कहा कि उसी कुल में पैदा होता है, फिर चंद्रवंश में कैसे पैदा हो गया कृष्ण, राम तो फिर सूर्यवंश होना चाहिए, नहीं वो उनका कुल नहीं है क्या? वो बोल नहीं, उनका कुल कैसे हो गया? क्यों नहीं? माता के जरिए तो उधर जाता है ना, तो संपूर्ण क्षत्रियों के भीतर हमारा उन सारे पुरुष हमारे पूर्वज हैं और हम सबके सब उनके वंश। इसलिए किसी भी पूर्वज को गाली देने से पहले कई बार सोचना, क्योंकि नाना जी पूर्वज होते हैं कि नहीं? एक दिन गोविंद भाई और एक पता नहीं कोई पूरण सिंह जी चौहान है, उनके दिमाग में यह था कि मैं तो चौहान हूँ, पृथ्वीराज चौहान तो महान है, और महाराज जयचंद को उन्होंने डिग्रेड करना शुरू किया। अब गोविंद भाई बोले तो उनको लगा कि ये राठौड़ है, इसलिए बोल तुरंत मेरे को नींद आ रही थी लेकिन मुझे बोलना, तो आखिर उसने एक कॉमेंट डाली थी, बोला आप तो राठौड़ हो इसलिए जयचंद जी को। मैंने कहा वैसे तो मैं दरूगा हूँ, मेरा जयचंद जी से मतलब उतना ही संबंध है जितना पृथ्वीराज से। बोले कैसे कैसे संबंध है आपका उतना ही? मैंने कहा उतना इसलिए संबंध है पृथ्वीराज जी के बहनों पंचवन राय जी का स्वाद है। उसके बाद अगली कई पीढ़ियों में चौहान रानियां और आई हैं, तो वो और चौहान रानियां तो फिर महाराज जयचंद जी की ही वंशजा हैं। और वो कैसे? मैंने कहा आप नहीं हो जयचंद के वंशज? बोले नहीं। मैंने कहा आप पृथ्वीराज के वंशज हो या पृथ्वीराज से पहले ही अलग पीढ़ी छट गई आपकी? बोले नहीं, पृथ्वीराज के वंशज, सालिवान के वंशज, और नहीं सालिवान के नहीं और पता नहीं किसके एक कोई नाम है उन्हीं के वंशज। तो मैंने कहा संपूर्ण चौहान इस समय जो राजपूत है, दूसरी जातियों में चौहान है वो तो शायद महाराज पृथ्वीराज चौहान से पहले अलग हो गए, लेकिन जो राजपूत है करीब करीब वो चौहान सब के सब माता संयोगता के हैं या नहीं हुए ना? तो जब माता संयोगता के हुए तो माता संयोगता के पिताजी का क्या नाम था? महाराज जयचंद नहीं? तो महाराज जयचंद पूर्वज हुए कि नहीं? आज मेरे नाना जी मेरे पूर्वज नहीं है क्या? आपके नाना जी आपके पूर्वज नहीं है क्या? तो सबके सब हमारे ही पूर्वज हैं, और इन सब के गुण नहीं बल्कि ये ही सब हमारे घरों में वापस आते, उन्हें पैदा महाराज दशरथ जी वसुदेव के रूप में पैदा, महारानी केकई जो है देवकी जी के रूप में पैदा,
रामकृष्ण के रूप में पहने, ये सबके सब घूम फिर के यही आते। पर ये आएंगे कब, जब दशरथ और कौशल्या जैसा परिवार, तब आएंगे राम। जब सुभद्रा और अर्जुन जैसा परिवार होगा तब आएंगे अभी। जब गंगा माता और शांतनु जैसा परिवार होगा तब आएंगे भीष्म। इनको लाने के लिए हमको अपना रहन सहन, व्यवहार, कार्य पद्धतियों में बदलाव। आजकल एक बड़ा मामला चल कि भाई समाज बदले हम। एक बड़ी महासभा थी, उसका इसी के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था, बड़े बड़े पदाधिकारी थे उनके, वो कहने लगे कि आप एक एक आदमी पांच पांच कितना दस दस को बदलो, अपना जैसा विचार रखो। और मेरे को ये सलाह माननीय मंत्री जी ने दिए तोमर साहब ने कि भाई ऐसा करो, दस दस ये करो। माननीय मंत्री जी के आका तो है बीजेपी वाले मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी, उनके आका है हेडगेवार जी, उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाथुराम गोडसे, उनका चल रहा है उधर से। और वो मंत्री जी ने पकड़ा दिया हमारे महामंत्री जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री, और उन्होंने थोप दिया समाज दोस्तों। इसमें अपना क्या है, कहीं भी कचरा मिलेगा बाहर पड़ा हुआ उसको उठा कर लिया होगा क्या, ये संस्कार तो मारेगा। संस्कार तो ये कहता है अपना कचरा को बाहर फेंको, अपने कचरे को बाहर फेंको, शुद्धिकरण इसी का तो नाम है। दूसरे के कचरे को घर में ला के सजा लो, उससे शुद्धिकरण होगा। पांच आदमी आप जैसे बन जाएंगे इतना आसान काम है, आप खुद ही अपने जैसे बन जाओ। स्वधर्म क्या है, अपना धर्म है, मेरा धर्म है, तो उस मेरा धर्म मेरे को नहीं पता चल रहा, दूसरों का क्या चले। ये संस्कार निर्माण के लिए हमको धीरे धीरे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो हमारे पूर्वज हैं वो हम नहीं हैं। शीशा है बाथरूम में लगा, उस पे धूल आ गई, उसमें चेहरा नहीं दिखा। शीशा वही है, आप भी वही हैं, चेहरा नहीं। उसको आपने कपड़े से साफ कर दिया, चमक सा हुआ चेहरा आपका। अब आपने बताओ अपना चेहरा साफ किया था या दर्पण साफ किया, चेहरा तो आपका वही। तो हमको दर्पण साफ करने की जरूरत है, समाज के चेहरे को साफ करने की। और दर्पण कौन है, बुध है हमारे दर्पण। तो हमें किसको साफ करना है, अपने हृदय को साफ। ये जिस दिन साफ हो जाएगा सारी दुनिया साफ ही साफ नजर आएगी, उनके चेहरे में कोई कमी। इसके ऊपर रेत डाल के हम कह रहे हैं कि ये गंदा दिख रहा है, ये वैसा दिख रहा है। अपना दर्पण हम साफ कर ले, दूसरे के चेहरे बहुत बड़े हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम। हम अपने आप को बदल ले, समाज अपने आप। समाज इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। इकाई क्या है, इकाई है मनुष्य खुद, व्यक्ति खुद। इकाई बदली जाती है, समूह नहीं बदला। समाज जीवित शरीर भी नहीं है, है क्या जीवित शरीर, समय कम हो चुका जी। पत्रिका संपर्क कर, एक ये है, ये है।